यस सर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 21 20 20 20 सर, 20। बच्चों सबका वीडियो पहले ऑन रहना चाहिए, द स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल टू एवरीवन। यस यस सर। सर। सबका वीडियो ऑन रहना चाहिए क्योंकि आजकल तुम लोग देख रहे हो कि कैसा चल रहा है, कौन कोई भी नाम से आके ज्वाइन कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए वीडियोस को ऑन रखो ताकि आप लोग को, मतलब अगर आप लोग नहीं भी हो आपके नाम से कोई अगर आ रहा है तो मुझे मतलब फोर्सफुली उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि वीडियो को ऑन करो। अगर क्लास तुम लोग को चाहिए, रिवीजन करना है कल के लिए, तो आराम से आओ, क्लास करो, जाओ, वीडियो को ऑन करो, जो लिखा जो मैं लिखूंगा उसको नोट डाउन करो। अगर लग रहा है कि ये क्लास बस बोरिंग होने वाला है और अटेंडेंस के लिए आ रहे हो तो प्लीज यहाँ से रिमूव हो जाओ, ठीक है ना। क्योंकि अटेंडेंस 10 बच्चे भी होंगे तो मैं आराम से क्लास ले सकता हूँ, लेकिन 50 बच्चे होंगे लेकिन रेस्पॉन्स नहीं करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए पहले से बोल रहा हूँ कि अगर क्लास अच्छे से करना है तो क्लास में पढ़ाई करो, अगर नहीं करना है तो रिमूव करो, आराम से आके आप लोगों का तैयारी करो। यहाँ पे बैठ के एक घंटा बस बैठ के रहने से तुम लोगों का भी लॉस है, मेरा भी लॉस है, ठीक है ना। तो अगर क्लास इंटरेस्ट है आराम से क्लास करो। Yes, sir. Yes, sir. Topic to discuss, actually pre-board है, इसलिए pre-board के अनुसार मैं कुछ थोड़ा सा भी मैं ऐसा नहीं कि तुम लोग का अभी डाउट क्लियर करूंगा या फिर मतलब बीट बाई बीट एनसीईआरटी का क्वेश्चन करूंगा, वैसा नहीं करूंगा मैं। ये वाला क्लास में क्या करने वाला हूँ, जितना भी टॉपिक मतलब प्रीबोर्ड में आने वाला है सब तो कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि कैलकुलस पार्ट साथ में कवर कर लिया होगा। कैलकुलस पार्ट में किसी को अगर कुछ भी डाउट होगा, ठीक है ना, सर को जब कॉल करना, सर पूरा फ्री है। आज मैं सर से बात कर रहा था, जस्ट क्लास करने से पहले ही सर से बात किया हूँ, तो सर बोले कि अभी तक तो सर वैसे कुछ मतलब डाउट्स या फिर किसी का नहीं निकला है, तो नहीं निकला तो अच्छी बात है। तो इसलिए कैलकुलस पार्ट में सर के ऊपर छोड़ दिया, सर कैलकुलस पार्ट कवर करेंगे। जितना बाकी पार्ट रह रहा है मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वाला क्लास में कॉन्सेप्ट जितना हो सके हम पूरा अच्छे से कवर कर दे, ताकि कल के वाला एग्जाम में अगर मतलब ये वाला क्लास के बाद 5:30 बजे तुम लोग जाके अगर बस रिवाइज भी कर लोगे तो बहुत अच्छे से आप लोग कवर कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्या क्या अभी डिस्कस करने वाले, चैप्टर 1 मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि चैप्टर 1 आ नहीं रहा, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 से। चैप्टर 2 इज अबाउट व्हाट, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ओके ना। देन कम्स चैप्टर 3। चैप्टर 3 इज अबाउट व्हाट, चैप्टर 3 इज व्हाट, मैट्रिसेस, मैट्रिसेस। देन चैप्टर 4 डिटेल। चैप्टर 5 6 7 8 9 तक सर का, ठीक है। अगर कहीं पे कैलकुलस अगर कुछ भी डाउट है, अगर सर को भी नहीं पूछ पा रहे हो तो क्लास के बाद एटलीस्ट डाउट को क्लियर करने के लिए मुझे तुम लोग भेज सकते हो ताकि मैं क्लियर कर दूं, लेकिन मैं प्रिपेयर करूं तो सर से ही कॉन्टेक्ट करके सर को जितना भी डाउट है कवर कर लेंगे, ठीक है। वेक्टर्स, चैप्टर 10 वेक्टर्स, फिर चैप्टर 3D तो नहीं आ रहा, एलपीपी कौन सा, एलपीपी कौन सा, 12 आई थिंक, 2, 3, 4, 10, 12, 13, okay. These are the 6 chapters that we have to discuss in today's class. Okay, the rest 5, rest the calculus chapter. Just ask your doubts to what Abhay sir. मैं फिर भी चैप्टर 5 का इंटीग्रल्स और डेरिवेटिव का क्या क्या कैसे क्या कर सकते हैं मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा कभी, लेकिन उसके लिए हम प्री बोर्ड के बाद जब हम चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे, प्री बोर्ड के बाद बच्चों
जब रिवीजन क्लास स्टार्ट होगा तब चैप्टर वाइज हम डिस्कशन करेंगे। अभी जैसे वनसर्ट रिवीजन क्लास चल रहा है वहां पे चैप्टर वाइज रिवीजन क्लास स्टार्ट होगा, मतलब हर एक चैप्टर का पूरा हम रिवाइज करेंगे, जितना क्वेश्चंस होगा, जितना प्रोबेबल क्वेश्चन होगा, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, सब कुछ एक क्लास में हम कवर करेंगे। तो वो वाला वीडियो भी सब कुछ अभी रिकॉर्डेड होने वाला है, ठीक है ना। तो तुम लोग के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि वो रिकॉर्ड हो जाने से मैं अगर यूट्यूब में उसको दे दे रहा हूँ तो तुम लोग बार बार भी उसको देख सकते हो, जो कि लाइव क्लास में बार बार नहीं देख पा रहे थे तुम लोग, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई वीडियो तो बना है, एक्सप्लेनेशन वीडियो भी आप लोग देख सकते हो, रिविजन वीडियो भी देख सकते हो, सब कुछ तुम लोग के लिए हम लोग कर रहे हैं। बस तुम लोगों से मुझे आउटपुट चाहिए जो कि अभी तक नहीं मिल रहा मुझे, आई होप कि मिल जाएगा। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? सो इन दिस क्लास वी विल डिस्कस दिस सिक्स चैप्टर वेरी नाइसली, ओके। सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट विद मी, ठीक है। एक करने के बाद जस्ट थोड़ा सा, अच्छा क्या क्या हम करने वाले हैं देखो, पॉइंट्स क्या क्या पॉइंट्स रहने वाले हैं, क्या क्या पॉइंट्स रहने वाले हैं देखो। पहले तो है कॉन्सेप्ट कि क्या कॉन्सेप्ट हमको मिला है, ठीक है। फिर की नोट्स, जो कि थोड़ा की नोट्स मतलब ज्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट क्या क्या कॉन्सेप्ट होने वाला है वो बताऊंगा। फिर प्रोबेबल क्वेश्चंस, कैसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड्स में, प्री बोर्ड्स में, सब में, ठीक है। स्टार मार्कर्स मीन्स बच्चों पता होगा तुम लोग अगर वीडियो देखते रहो, अगर मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोग देखोगे तभी पता चलेगा कि स्टार मार्कर मतलब क्या होता है। स्टार मार्कर में 2 स्टार 3 स्टार करके क्वेश्चन में तुम लोग को दिखा, किसी को याद है कि नहीं, जब भी कोई भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में करता हूँ, कोई भी एग्जांपल हो जाए, कोई भी एक्सरसाइज का कोई मतलब इंपॉर्टेंट सा प्रॉब्लम हो जाता है, मैं वहाँ पे स्टार कर देता हूँ। 1 स्टार मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, 2 स्टार मतलब और थोड़ा, 3 स्टार मतलब बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम लोग अगर याद नहीं है तो ये होता है स्टार मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। और जो बाकी रह गया कॉन्सेप्ट, की नोट्स, प्रोबेबल क्वेश्चंस, स्टार मार्कर्स, स्टार मार्क क्वेश्चंस, ओके ना। और हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो चैप्टर का, ये चैप्टर का क्या बोलते हैं उसको, हमें कितना चाहूंगी डिस्कस करने से एनफ, ठीक है ना। सो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो हम चैप्टर का हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, की नोट्स डिस्कस करेंगे, प्रोबेबल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, स्टार मार्कर क्वेश्चन क्या क्या होने वाला है, ओनली एनसीईआरटी का, ओनली क्या आपका एनसीईआरटी जो हम कर रहे हैं वही वाला क्वेश्चन क्या क्या होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों को बोर्ड्स है, ये वाला जो बच्चों में वीडियो आप मतलब ये जो क्लास हो रहा है ये तुम लोग मत सोचो कि प्री बोर्ड के लिए हो रहा है, सोच लो कि तुम लोग ये बोर्ड्स के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हो। और बोर्ड्स के लिए कैसे कैसे हम रिविजन करेंगे इसके बाद थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा उसको फोकस कर लेंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? पॉइंट्स क्या क्या डिस्कस करना है आप लोगों को पता चल गया, क्या क्या चैप्टर्स हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ये भी पता चल गया। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट एनी एक्सक्यूजेस। इज दैट क्लियर बच्चों? सो टेक द स्क्रीनशॉट क्विकली एंड आफ्टर द क्लास जस्ट सेंड मी, ओके। टेकन, क्विक क्विक गिव मी द क्विक रिस्पॉन्स, ओके। डन? यस सर। यस सर। स्वागत, स्नेहा, अनिशा, एनीवन, कोई भी वो वीडियो देखा था तो ना चला था? नो सर। सर हम तो 12th क्लास में है ना, हम 10th क्लास क्या देखेंगे, क्या करेंगे देख के ना, ठीक है। देखते हैं ये वाला वीडियो भी तुम जो मैं अपलोड करूंगा ये वाला भी देखोगे कि नहीं मुझे मतलब पता नहीं चल, जितना भी वीडियो YouTube में अपलोड कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन वीडियो सबसे कम रेस्पॉन्स मुझे 12th क्लास का मिलता है। जहां पे मुझे ज्यादा मिलना चाहिए था वहां पे ही मुझे कम रेस्पॉन्स मिलता है, बाकी क्लास का अच्छा रेस्पॉन्स है, 11th का, 12th का, 10th का, 9th का अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है, बस 12th क्लास है जिसके लिए ज्यादा मेहनत हो रहा है वही बच्चे कम रेस्पॉन्स कर रहे हैं, क्यों मुझे नहीं पता लेकिन वैसा ही हो रहा है। तो तुम लोगों के बेनिफिट के लिए ये वाला वीडियो मैं पोस्ट करूंगा,
ना, मुझे पता है कि इसमें भी थोड़ा ज्यादा कम ही रेस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं, तुम लोग अच्छे से थोड़ा कवर करो, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 इज आईटीएफ इंडस्ट्री ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो कांसेप्ट क्या है बच्चों, पहला कांसेप्ट क्या है ना, आप लोगों को पहले क्या करना है, आपको क्या लिखा है बच्चों, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को जानने से पहले आपको क्या में ज्यादा ताकत लाना है, आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, क्या क्या ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट, लाइक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो कि बहुत ही यूज होने वाला है, तुम लोगों का आईटीएफ में बोल दो, कैलकुलस का कोई सा पार्ट में बोल दो, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला, और क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला जो कि मैंने 11th क्लास का जो वीडियो में अच्छे से तुम लोगों को 12th क्लास का स्टार्टिंग में अच्छे से प्रैक्टिस करवाया था, क्योंकि अगर आप लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं पता है आप लोगों को, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है, मतलब एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसी के लिए तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वहां से ही तो हम डिराइव कर रहे हैं। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन याद नहीं होगा तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको कैसे करना है, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो, ठीक है ना। और क्या करना है बच्चों, आपको टेबल को याद रखना है, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का टेबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। कौन सा टेबल, ये तो याद होगा हम लोगों, जीरो वो वाला, कौन सा जीरो, फिर पाई बाय 6, देन पाई बाय how much 4, then pi by 3, then pi by 2, sine का, sine का कौन बताएगा, पहले 0, फिर 1 by 2, फिर 1 by root 2, फिर root 3 by 2, फिर 1, cos में उसको उल्टा कर दो, 1 root 3 by 2, 1 by root 2, 1 by 2, 0, sine और cos अगर याद रहेगा आप लोगों को, sine का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec, sin by cos करेंगे तो tan, tan by cos करेंगे, cos by sin करेंगे तो cot, ठीक है। ये वाला इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, क्यों याद रखना है, क्योंकि अगर sin theta आप लोगों का 1 by 2 हो रहा है, then theta will be how much, sin inverse 1 by 2, sin inverse 1 by 2, so theta will be sin का कौन सा value 1 by 2 आ रहा है, that is pi by 6, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, कहाँ पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। और आप लोगों का जो सेकंड था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो सेकंड एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज नंबर 2, जो कि डिलीट हो गया है, यहाँ पे की बहुत सारा प्रॉपर्टीज था, तो उसको अभी देखना नहीं है, आप लोगों का जो आने वाला है बोर्ड में या फिर प्री बोर्ड में, आप लोग का बस 2.1 से रिलेटेड आने वाला है। 2.1 में क्या है, 2.1 में क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, ये याद होगा सबको, प्रिंसिपल वैल्यू, हाँ सर पक्का। टेबल, ठीक है, पीवी टेबल जो किसका, ट्रिगोनोमेट्रिक का ही, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का पीवी टेबल, प्रिंसिपल वैल्यू टेबल को आप लोगों को याद करना है कि कहां से कहां तक उसका रेंज रह रहा है, कहां से कहां तक उसका रेंज रह रहा है, कि कहां से कहां तक, जैसे कि अगर मैं पूछूं आप लोगों को कि sin इनवर्स थीटा, मतलब sin इनवर्स x का रेंज कितना होगा, कैन एनीवन डिफाइन sin इनवर्स x का बच्चों रेंज कितना होता है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, इज दैट क्लियर, और इज दैट करेक्ट, स्क्वायर ब्रैकेट हुई, वेरी गुड, ओनली माइनस 2 टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 बच्चों करेक्ट नहीं होगा, उसको आप लोग इंटरवल भी देना पड़ेगा, आइदर स्क्वायर नॉर्मल माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 भी इंक्लूड हो रहा है, इज दैट क्लियर एवरीवन। तो ऐसे ही करके ये हो गया आप लोगों का sin इनवर्स x का, ठीक है ना, तो sin इनवर्स x का वैसे cos इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स, cosec इनवर्स, इसके हर का पीवी टेबल आप लोगों को क्या करना है बच्चों, याद रखना है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। और वो याद कैसा रहेगा, वो याद कैसा रहेगा,
जब आपको ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का डोमेन एंड रेंज याद होगा, खाली ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का, मैं इनवर्स का बात नहीं कर रहा हूँ, खाली अगर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का डोमेन रेंज आपको याद है तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन उसको बस उल्टा करके रख देंगे, उसको बस उल्टा करके रख देंगे, काम खत्म. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. यस सर. यस सर. ओके बच्चों, तो ये हो गया आप लोगों का क्या कॉन्सेप्ट, तुम लोगों का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे की आप लोगों को जब तक ट्रिगोनोमेट्री का एक मतलब सिंपल सा फंडामेंटल याद नहीं होगा, लाइक ट्रिगोनोमेट्री टेबल आप लोगों को याद नहीं रहेगा, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का डोमेन रेंज आपको याद नहीं रहेगा, तब तक आप लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट में आ ही नहीं सकते, ठीक है ना? तो उसके लिए पहले थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री में ज्यादा फोकस करेंगे, वो हो जाने के बाद आप लोग जब आएंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में तो बेसिकली बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लोग का आ जाएगा. तो क्या क्या कॉन्सेप्ट आ सकता है, तो इतना तक सबका क्लियर आई होप, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया. यस सर. यस सर. साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स. साइन का उल्टा कोसेक और टेन इनवर्स, ठीक है ना? ये तीनों में क्या होता है बच्चों, ये तीनों में क्या होता है ना, जो भी एंगल आप लोग कर रहे हो लाइक साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स, दैट विल बिकम माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है? और तो बाकी बच्चा कौन सा, बाकी बच्चों बच्चा कौन सा, cos inverse x, sec inverse x, cot inverse x. cos inverse x, sec inverse x, cot inverse x. इसमें क्या होता है, कौन बताएगा? इसका ट्रिक क्या था? इसका ट्रिक pi minus 4. pi minus theta, pi minus x. जो भी एंगल होगा, उसको pi से minus करके, ठीक है? cos inverse pi minus x का वैल्यू पुट करें. Is that clear? तो type one को बस याद रखना है कि sine है उसका उल्टा cosec, मतलब reciprocal of tan, तो बच्चा कौन सा cos, उसके reciprocal से एक और बच्चा cos. Type one इसमें आएगा तो negative of tan होगा, इसमें आएगा तो clear बच्चों, everyone. Yes sir. Yes sir. -π/3
टू पाई बाई थ्री मुझे पहले बताओ कि cos टू पाई बाई थ्री cos इनवर्स 1 बाई 2 क्या होता है Yes, sir. Yes or no? So obviously the yes, sir. Is that clear? So negative angle के लिए ऐसा करना है. Positive. Is that correct or not? इतना हमने जो किया वो correct है कि नहीं? Anyone? Yes, sir. हाँ, sir. Yes, sir. ऐसा type का question आप लोग कर सकते हो related to principal value branch. इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला. इससे पहले आप लोगों को जितना concept मैंने बताया उसको अच्छे से cover करना पड़ेगा. Is that clear? Okay. So understood everything clearly? Yes, sir. Yes, sir. Take this concept quickly. Take this concept. Done. Yes, sir. So ये वाला chapter के लिए इतना ही ठीक है और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें क्योंकि हम boards के related ही आप लोगों में discuss कर रहा हूँ. तो मतलब प्रीबोर्ड के रिलेटेड हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड्स जो हम चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे वहां पे मैं अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आपको करके दूंगा आफ्टर प्रीबोर्ड. ठीक है, उसके लिए मतलब आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा. प्रीबोर्ड खत्म होने तो फिर जनवरी से न्यू ईयर से हम स्टार्ट करेंगे अच्छा सा. लेकिन अभी के लिए जितना कॉन्सेप्ट है जितना जितना कॉन्सेप्ट आप लोगों को जानना चाहिए मतलब एग्जाम देने से पहले उतना कॉन्सेप्ट मैं बस डिस्कस कर देता हूँ. कोई भी रिविजन में बैठे थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं आएगा. Yes, sir. Matrices. Okay. ये तो बच्चों को कुछ भी नहीं चैप्टर नहीं सारे चैप्टर इम्पोर्टेंट होते हैं. ऐसे कभी भी चैप्टर को लाइटली मत लेना कि कुछ भी नहीं है. सब चैप्टर इम्पोर्टेंट होते हैं. ये थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है. कम इम्पोर्टेंट मीन्स ये आ जाता है ज्यादा जल्दी से और जो नहीं आता उसको हम मतलब बोलते हैं कि वो सबसे हार्ड चैप्टर है. लेकिन ऐसा कुछ हार्ड या इजी चैप्टर नहीं रहता. अगर आप लोग कर पाओगे तो ईजी है. अगर नहीं कर पाओगे कैलकुलस जैसे डेरिवेटिव पहले पहले आप लोगों को नहीं आ रहा था तो आप बोल रहे थे कि ये बहुत ही हार्ड चैप्टर है. लेकिन जब आ गया फिर बोले कि ये वाला ज्यादा इजी चैप्टर है. ठीक है ना, तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना उसको कर पा रहे हो. अगर आप लोग को कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली आप लोगों के लिए वो इजी होगा. लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो वही सेम चैप्टर आप लोगों के लिए हार्ड होगा. ठीक है ना, तो मैट्रिसेस का तो ज्यादा बच्चे कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं फिर भी थोड़ा सा हम कर देंगे. तो ज्यादा ध्यान कहाँ पे देंगे बच्चों देखो ज्यादा ध्यान हम कहाँ पे देंगे. क्या क्या कॉन्सेप्ट में ज्यादा ध्यान देना चाहिए आप लोगों को इसमें ज्यादा है कुछ इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स. इक्वल दो मैट्रिक्स को इक्वल कर देते हैं क्या कर रहे हैं कुछ बच्चों. यस सर. तो यहां पे x कितना होगा बताओ. x के अंदर कॉरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या हो जैसे हो गए x = 1 y = कितना हो गया 2 z = कितना हो गया बच्चों 1 हुआ 3 z = 3 then z will be 1 ओके एंड w will be 4 by 4 that is also so x = 1 y = 2 z = 1 w = 1 is that clear. This is known as corresponding equality of the corresponding elements are equal to each other. Is that clear bachcho remember. Yes sir. Yes, sir. See, at least me, so we book him about the change of character.
होने वाला है हम लोगों के लिए, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स किसको बोलते हैं वो तो आप लोगों को पता है, उसका ऑर्डर को जो लिखते हैं हम, अगर यहाँ पे ए बी सी डी है तो उसका ऑर्डर बच्चों कितना होगा, 2×2, ठीक है। 2 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रो, 2 एंड द सेकंड 2 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ व्हाट, कॉलम्स, ठीक है। और जो मैट्रिक्स का बच्चों नोट्स ने दिया था बहुत ही अच्छा सा मैट्रिक्स है, मतलब नोट्स है तो आप लोग देख लेना, ज्यादा ध्यान आप लोग इसमें देना टाइप्स ऑफ। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बच्चों ज्यादा ध्यान देना, मैं यहां डिस्कस नहीं करूंगा, बहुत सारे टाइप्स है उसका, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बहुत सारे मैट्रिक्स का नोट्स अगर आप लोगों के पास है बस एक बार रिवाइज करना है, बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया गया था, बस एक बार रिवाइज कर लेना, वहां से जो जो छोटा छोटा सब क्वेश्चन आ सकते हैं उसको आप लोग आराम से डिस्क्राइब कर सकते हो। जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, स्क्वायर, कॉलम, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, सब कुछ आप लोगों को आता है। इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स मैंने बता दिया, ठीक है ना। इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स बराबर थोड़ा देख लेना, फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में सीधा आता है, ठीक है ना। आ जाते हैं सीधा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना बच्चों। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में बहुत ही ईजी है, जब हम एक स्केलर को मल्टीप्लाई करें, वो भी दो टाइप का है, एक होता है बाय स्केलर, एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर और एक मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या होगा, मैट्रिक्स का प्लूरल होता है मैट्रिसेस, ठीक है ना। तो स्केलर वाला कांसेप्ट तो बहुत ही सिंपल है कि अगर हम 3×2 कर रहे हैं तो 3 सुनाते राम शकर, मैं ऑडिबल, मैं ऑडिबल, यस सर, यस सर, ये तो आप लोगों को आएगा ही, इसमें तो कुछ मतलब है ही नहीं, इसका अलग तो बस सब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है बच्चों। जब मैं डिटरमिनेंट में जाऊंगा तो ध्यान रखना डिटरमिनेंट में मैट्रिक्स सेम नहीं होगा, डिटरमिनेंट में हम ओनली एक रो, एक पर्टिकुलर रो या फिर एक पर्टिकुलर कॉलम में ही उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब हम क्या करेंगे हमारा जो क्या होगा ये मैट्रिक्स के केस में हम ईच एलिमेंट के साथ उसको स्केलर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो गया स्केलर, लेकिन जो हमारा मैट्रिक्स के साथ जो अदर मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको थोड़ा सा ध्यान देना। सो इतना तक बच्चों सबका क्लियर, आई थिंक ये वाला कांसेप्ट सबका हो जाएगा फिर। यस सर, यस सर, यस सर, ओके। तो ये हो गया आप लोगों का ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ओके। उसका कुछ प्रॉपर्टीज था बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा देख लेना नोट्स में, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव कहां पे क्या रहता है वो देख लेना। ये वाला कांसेप्ट अगर हो गया तो मैं सीधा जाऊंगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विच अनदर मैट्रिक्स, वो थोड़ा देखेंगे क्योंकि उसका कांसेप्ट थोड़ा ज्यादा यूज होने वाला है, इतना ज्यादा कांसेप्ट यूज नहीं होने वाला, तो बस इसको रिवाइज कर लेना एक बार नोट्स से, ठीक है। एनसीईआरटी रिलेटेड जितना क्वेश्चंस होगा उसको प्रैक्टिस कर लेना ताकि सब कुछ हो जाए। इतना तक सबका क्लियर आई थिंक? यस सर, यस सर, डन। कैन आई रेज इट टू यू? यस सर, इंसर्ट अगेन, यस सर, ओके। तो बच्चों अभी हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो करेंगे हम और एक मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो रहा है, ठीक है बच्चों। एनसीईआरटी मेरे पास नहीं है फिर भी, एनसीईआरटी मेरे पास नहीं है फिर भी मैंने कुछ नोट्स मैंने कुछ बना दिया था, मतलब एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे तो मैथ में सिलेक्शन मतलब काम नहीं करता, फिर भी एनसीईआरटी से जैसे कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने पार्ट 1 से पहले दिया था, पार्ट 2 बस पार्ट 2 का कुछ नहीं दिया था क्योंकि पार्ट 2 में वैसा कुछ मतलब पार्ट 2 में एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, पार्ट 1 में भी एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बट वहां से मुझे कुछ लगा जैसे कि इंपॉर्टेंट हो सकता है तो मैं उसके मतलब कॉपी में लिख के रखा हूं आफ्टर द क्लास आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है। मैं इसलिए यहां पर नहीं बोल रहा क्योंकि मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है, अगर मेरे पास होता तो मैं बता देता कौन सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आफ्टर द क्लास मैं वो जो मैंने लिखा था एक नोट्स में कॉपी में वो मैं तुम लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा ताकि सब कुछ तो देखोगे लेकिन जो जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसको थोड़ा सा ज्यादा देख लेंगे। वहां पर भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं सिलेक्टेड 10-12 क्वेश्चन दिया हूँ, वहां पर भी 70-80 क्वेश्चन है, लेकिन जो जो क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर से दिया हूँ पार्ट 1 में उसमें थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उसमें थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, तो वो वाला जो क्वेश्चन से मैं यहाँ पे नहीं बता रहा, तुम लोग आफ्टर द क्लास थोड़ा जाके वो वाला पीडीएफ से देख के बुक में मार्क करके उसको थोड़ा ज्यादा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, यस सर, यस सर,
मल्टीप्लाइड बाय डी एफ जी। अच्छा बच्चों यहाँ पे कंडीशन था, किसको याद है कंडीशन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए कंडीशन, किसी को याद है? N इक्वल टू M। ठीक है, अगर मैं इसको लिख रहा हूँ कि ये किसका ऑर्डर का है, 2x2 है, ये भी है हमारा 2x2, तो ये जो लास्ट टू इसका फर्स्ट टू सेम होना चाहिए, पहला बार तो ये टू, इसका जो लास्ट टू है टू नहीं, ऐसा नहीं टू ही होना चाहिए, इसका जो लास्ट वाला और इसका जो फर्स्ट वाला हमेशा सेम रहना चाहिए। और बाकी हमारा जो रिजल्ट निकलेगा, जो रिजल्ट मतलब जो रिजल्टिंग जो मैट्रिक्स निकलेगा उसका ऑर्डर कितना होगा उसको बता देने के लिए इसका लास्ट और इसका फर्स्ट टू उठा के लिख दो, जो कि हो रहा है 2x2। तो पहले हमने चेक किया 2x2 है, वो होगा मतलब पॉसिबल है, मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है, और हमारा जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स निकल रहा है उसका ऑर्डर निकालने के लिए इसका पहला और इसका लास्ट को लिख लो, जैसे कि हो रहा है 2x2। अभी ये तो सिंपल सा छोटा हो गया, अगर मैं बोलूं तुम लोगों की ए बी सी डी यहाँ पे है, ओके ना, और यहाँ पे है आप लोगों का सी डी ई एफ जी ई, ठीक है ना, तो मुझे भी कुछ बताओ कि ये पॉसिबल है कि नहीं, पहले बताओ मुझे, दिख रहा है सबको, यहाँ पे मैंने 2x2 का बनाया, यहाँ पे मैंने 2x3 का बनाया, तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं, जल्दी से बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। छोटे बच्चे जब सीखते हैं जिनको तो मैं क्या बोल रहा था, वही वाला ट्रिक थोड़ा बोल देता हूँ, अगर जिनको प्रॉब्लम है, अगर नहीं है तो Yes, sir. Okay. तो फिर वो जो कॉन्सेप्ट था आप लोगों का, सपोज सपोज ए इज गिवन 1, 2, 3, 4, ओके, एंड बी इज गिवन 5 and 6, सो बच्चों टेल मी इज इट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई दिस टू? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Cross 2. 1. 1 cross 2. Yeah, 2 cross 1. 2 cross 1. 2 cross 1. Good. First, first जो रहेगा वो किसका है? Row का. ये column. ठीक है? वो याद रखना है सर. तो हमारा देखो बच्चों ये 2 है, ये 2 है, मतलब multiply हो सकता है. रिजल्टिंग मैट्रिक्स कैसा आएगा? 2 क्रॉस 1 में आएगा बच्चों, 2 क्रॉस 1 का रिजल्टिंग मैट्रिक्स हम लोग का आएगा। तो 2 क्रॉस 1 मतलब कैसे फॉर्मेट में आएगा? 2 क्रॉस 1 मतलब अगर हम उसका जनरल फॉर्म लिखे 2 क्रॉस 1 का, तो कैसे कैसा आएगा? यहां पे a1, यहां पे a2, ऐसे कुछ आएगा 2 क्रॉस 1 मतलब ये वाला? यस सर। तो ये इसका पोजीशन कितना है, इसका पोजीशन कितना है? a11 सर। लेकिन अचानक से कहीं भी कंफ्यूजन हो जा रहा है तो ऐसा ना करना, आप लोग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विल बी देयर। तो 1, 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2, 1 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, बहुत ही अच्छे से अभी
क्लियरली समझ में आ गया, ये वाला मतलब फर्स्ट रो, ये वाला मतलब फर्स्ट कॉलम, ये टू मतलब फर्स्ट सेकंड रो, वो टू मतलब सेकंड वन मतलब फर्स्ट कॉलम, क्लियर। तो वन में फाइव जाए कितना बच्चों पांच, ओके प्लस करेंगे, प्लस करेंगे टू सिक्स जाए कितना बच्चों बारह हो गया, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। फिर थ्री फाइव जाए कितना पंद्रह प्लस फोर सिक्स जाए कितना बच्चों ट्वेंटी फोर हो गया काम खत्म, इसको ऐसा कर दो फाइव प्लस तो नीचे वाला 39 होगा, 39 टू क्रॉस टू देगा, कुछ भी देगा, आप लोग आराम से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। आई होप। यस सर। यस सर। यस सर। ग्रेट ग्रेट। ओके तो यहाँ पे बच्चों इतना ही करना है हम लोगों को, मैट्रिक्स अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ना जा रहा है तो बाकी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला आप लोगों का। और तो बच्चों वो जो कॉन्सेप्ट याद है ना हमको, क्या क्वेश्चन था, कौन सा 16 नंबर या कौन सा नंबर है जो था जो इम्पोर्टेंट बोला था मैंने क्लास के टाइम, इसको याद है क्या था क्वेश्चन, 0 10 अल्फा बाय 2 ऐसा कुछ था ना, नेक्स्ट बाय 2 ऐसा कुछ याद आ रहा है, एनसीईटी का क्वेश्चन 3.3 आई थिंक माइनस 10 अल्फा बाय 2 0 10 अल्फा बाय 2 माइनस 10 अल्फा बाय 2 0 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 देन 10 अल्फा बाय 2 0 वेरी गुड। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखना। और एक क्वेश्चन भी है तो मैं दे दूंगा आफ्टर द क्लास, मैं शेयर कर दूंगा तुम्हारा वीडियो जहां जहां पे मैं मुझको जितना लगा इंपॉर्टेंट है मैंने उसको मतलब मार्क कर दिया है, हम लोग ट्राई करके उसको सॉल्व कर लेंगे, अगर कहीं पे कंफ्यूजन होगा तो जस्ट कॉल मी तो मैं सॉल्व करके आप लोगों को दे दूंगा। तो दिस इज द कांसेप्ट बच्चों, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पे आ सकता है कि इफ a इक्वल टू दिस, इफ a इक्वल टू एक दिया होगा and find the a square minus 2a plus i, या फिर प्रूव करने बोला होगा is equal to 0, ऐसा कुछ हो सकता है ना, कर सकते हो आराम आप लोग आराम से। यस यस सर। ग्रेट। ओके तो बच्चों अभी तो क्या है, इज इट क्लियर टू एवरीवन, टेक दिस कांसेप्ट क्लियरली, डन सर सामने से आती है तो आप आ जा रहे हैं सर सेंसर में, इज इट क्लियर टू एवरीवन आई थिंक। यस सर। यस सर। वो 2a लिख दीजिए सर उसको, क्या बोल रहा सर, वो a स्क्वायर माइनस 2a है ना, आइए वेरी गुड। ओके सो फिनिश, कांसेप्ट क्लियर बच्चों, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अभी आपको बहुत बड़ा कि लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बच्चों इजी कांसेप्ट है, लेकिन जब कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा ध्यान देके आपको उसको करना है, बाकी कुछ नहीं है वैसा बड़ा कुछ बात नहीं है यहां पे, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। ओके बच्चों एक था ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स याद है सर, ए सी बी डी रोज एंड कॉलम्स गेट इंटरचेंज, ठीक है, रोज एंड कॉलम खत्म, ठीक है कंप्लीट, ट्रांसपोज हो गया। अच्छा अभी जो होता है जो एक होता है सिमेट्रिक एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक, याद होगा। यस सर। हां सर।
क्या होगा सिमेट्रिक मतलब ए ट्रांसपोज का वैल्यू किसके साथ इक्वल होगा ए के साथ इक्वल होगा स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है ए ट्रांसपोज का वैल्यू माइनस ऑफ ए इज दैट क्लियर टू एवरीवन यस सर यस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना होता है A. 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 B का होल ट्रांसपोज कितना होता है? B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज. Great, great. ठीक है? ये सब नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है ना? B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज. अगर यहाँ पे आप लोग A ट्रांसपोज इनटू B ट्रांसपोज डैश भी लिखते हैं, मैं T करके लिख रहा हूँ. डैश भी लिखते हैं, आप लोग प्लीज T करके लिख सकते हो. अगर मैं बच्चे बोलूँ आप लोगों की A प्लस T का होल ट्रांसपोज कितना होगा तो क्या होगा इसका आंसर? A transpose plus B transpose. तो ऐसा क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसमें मतलब तो साउंड ठीक से नहीं आ रहा है धीरे आ रहा है हेलो माय वॉइस इज ऑडिबल नो सर यस सर सर बहुत धीरे धीरे आ रहा है हाँ सर जस्ट वेट नाउ हेलो Yes, sir. अरे एक बच्चे को नहीं आ रहा या सब बच्चों को नहीं आ रहा जल्दी बताओ ताकि मैं कुछ कर सकता हूँ सर आ रहा है पर ना धीरे धीरे आ रहा है जस्ट वेट जस्ट Okay, now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Okay, so ye ho gaya. तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी जाके हम उसको सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं कन्वर्ट तो नहीं हम चेक कर सकते हैं कि अगर ट्रांसपोज निकाले वो ए के साथ इक्वल हो रहा है तो सिमेट्रिक अगर ट्रांसपोज निकाले वो माइनस ऑफ ए के साथ सेम हो रहा है तो वो क्या मतलब क्या स्क्यू सिमेट्रिक इज दैट क्लियर बच्चों यस सर यस सर यस सर वेरी गुड देन एक था आप लोगों का कि एक मैट्रिक्स को हम तो इज दैट क्लियर ये लिख देता हूं एक कोई भी मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हाफ इनटू एक मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हाफ इनटू ए प्लस ए ट्रांसपोज ए ए प्लस क्या प्लस ए डैश प्लस ए ट्रांसपोज फिर प्लस Half A minus A transpose. Half into A minus A transpose. Very good. ठीक है? तो ऐसे करके
दिखाओ या फिर शो करके दिखाओ कि ये जो मैट्रिक्स है उसका सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होता है ये होता है वो होता है उसको कर दे एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एट द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड वेरीफाई ये वाला क्वेश्चन ठीक है ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा ध्यान से देखना तो इज दैट क्लियर ट्रांसपोज सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज एंड दैट कांसेप्ट एवरीथिंग इज अच्छे से क्लियर टू एवरीवन यस सर कवर कर लिया और जो कंटेंट वाइज मतलब चैप्टर वाइज जो होने वाला है रिवीजन वो पूरा खतरनाक होने वाला है तो एक भी क्लास अगर मिस करोगे तो बहुत बहुत सारा खतरनाक कॉन्सेप्ट आप लोग मिस कर जाओगे नेक्स्ट क्लासेस से तो एक भी क्लासेस को ज्वाइन ना करने से पहले एक बार सोच लेना कि हम क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं ठीक है तो अरे मैं जब बात कर रहा हूँ मतलब ये एडवर्टाइज चल रहा है तब तक स्क्रीनशॉट ले जाना चाहिए ना तुम लोग क्या कर रहे हो फिर मैं बोलूंगा फिर लोगे ना या तो मेरा वॉइस आ नहीं रहा था या फिर तुम लोग रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हो अच्छे से सुनाई नहीं दिया मैंने बोला कि सर्दी कितना है तुम लोगों की तरफ सित्तो कहते हैं सित्तो बहुत अधिक बहुत अधिक वाला वाला ओह ओके बच्चों तो हम आगे हम कौन सा चैप्टर में डिटरमिनेंट्स में ओके तो डिटरमिनेंट्स में तो बच्चों वैसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं फिर भी नहीं है तो एक मिनट सपोज ए है बच्चों हमारा ए बी सी डी ओके ना तो ए का डिटरमिनेंट जब हम निकालेंगे मैट्रिक्स है तो ए बी सी डी का डिटरमिनेंट हो जाएगा जो कि होगा बच्चों कितना क्रॉस मल्टीप्लाई ए डी माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई बी सी विल गेट ए डी माइनस सी डी और बी सी ठीक है कॉन्सेप्ट क्लियर सबका ये तो टू क्रॉस टू में कुछ वैसा बड़ा बात नहीं था थ्री क्रॉस थ्री में देखते हैं थ्री क्रॉस थ्री में देखते हैं ए इक्वल टू ए बी सी माय वॉइस इज क्लियर या ऑडिबल टू एवरीवन यस सर यस तो जब हम बच्चों थ्री क्रॉस थ्री में जाएंगे तो डायरेक्टली लिख रहा हूं ठीक है क्या होगा कांसेप्ट ए अगर मैं पहला रो को चूज कर रहा हूं तो ए इनटू एफ के माइनस जी जे ओके माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस हां पहला रो की तरफ क्या करो एक्सपांड करो b into minus b into जो b जहां पे है उसका करस्पोंडिंग रो उसका करस्पोंडिंग कॉलम सॉरी उसका करस्पोंडिंग कॉलम उसका करस्पोंडिंग रो खत्म कर दो तो बचा कितना e g i k तो कितना मिला सॉरी e k minus g i ओके प्लस c का साइन है प्लस तो प्लस c into ये खत्म तो बचा e f ij तो ej माइनस fi ठीक है अभी तो आप लोग पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो छोटे बच्चे का करवा लीजिए ये तो हमेशा साइन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये होता है साइन तो ऐसा कहीं पे बुक में नहीं लिखा है ये कहीं पे मतलब पुस्तक में नहीं लिखा है कि हमेशा आप लोग को रो 1 से ही कन्वर्ट करना है आप लोग चाहे रो 2 से करो रो 3 से करो कॉलम 1 से करो कॉलम 2 से करो कॉलम 3 से करो चॉइस इज अप टू यू ठीक है चॉइस आप लोगों का है आप लोग कहां से कर रहे हो आप लोगों का मर्जी जहां पे आप लोगों को दिख रहा है कि यहां से हमारा जल्दी निकल जाएगा उसके तरफ एक्सपेंड करो बस साइन याद रखना कि कहां से अगर हम रो 2 से कर रहे हैं मतलब माइनस प्लस माइनस साइन आना चाहिए
अगर हम कॉलम टू से कर रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस साइन आना चाहिए, अगर हम कॉलम थ्री से कर रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस साइन आना चाहिए, बस इतना ही देखना है, बाकी आप लोग आराम से कर सकते हैं. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. यस सर. खत्म, आराम से कर सकते हो अभी. तो ज्यादा प्रेफरेंस हम किसको देते हैं? ज्यादा प्रेफरेंस हम किसको देते हैं बच्चों? यहां पे ज्यादा क्या रहता है? क्या रहता है? जीरो रहता है, ठीक है ना. लाइक सपोज मैं तुम लोगों को बोला 5 5 7 0 0 1 2 2 3, तो एक बच्चा बोले सर हम 5 into this 5 minus 5 into this plus 7 into this करेंगे, और एक बच्चा बोलेगा सर हम सीधा सीधा क्या करेंगे, हम रो 2 से एक्सपांड कर रहे हैं, तो ये दोनों को एक्सपांड करने का जरूरत नहीं है. तो सिंस ये प्लस है ये माइनस है, प्लस है सीधा 1, ये 1, इसको इसको काटो तो बचा कितना, बचा कितना ये और ये कट गया, तो 5 3 जा 15, ओके, माइनस 2 7 जा कितना 14, ना कौन हाई कौन सा कटा, ये और ये कटा सर, 5 2 जा 10 माइनस 10 0 होगा. हां आ गया, ठीक है, 0 खत्म. तो एक्सपांड करने का जरूरत क्या है, यहां से एक्सपांड किया तो ये और ये कट गया, बचा कितना 5 5 2 2 बचा, 5 2 जा 10 माइनस 5 2 जा 10 10 माइनस 10 0 0 इनटू 0 ठीक है बच्चों. तो जीरो जहां पे होगा ज्यादा प्रेफरेंस उसको देंगे, ताकि जल्दी से जल्दी आप लोग कर दिया गया बोर्ड्स की तरफ से, तो 4.2 आप लोगों का मेंशन आने वाला, तो उसको छोड़ दो, अभी सीधा आना 4.3 में. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस. ओके, राइट राइट. अच्छा, इक्वालिटी थोड़ा देखो. इक्वालिटी मैंने बोला था, इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स में, इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स में मैंने क्या बोला कि ए नहीं, अगर मैं लिखूं यहां पे 1 2 1 5 ओके, और मैं यहां पे मैट्रिक्स का सिंबल दे रहा हूं, नॉट डिटरमिनेंट, सॉरी मैं डिटरमिनेंट दे रहा हूं, नॉट मैट्रिक्स, और मैंने यहाँ लिख दिया x x 5 3 ओके. तो अभी सीधा सीधा बताओ x कितना है, तो सर सीधा दिख रहा है ये x 1 है, ये x भी 1 है, मतलब x इक्वल 1 हो गया सर. आंसर गलत, गलत आंसर गलत. क्यों समझ में आया? क्योंकि ये मैट्रिक्स के फॉर्म में है बच्चों, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं होता, सॉरी ये डिटरमिनेंट के फॉर्म में है, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं रहता, तो करेंगे क्या, करेंगे क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका वैल्यू निकालेंगे, तो 5 ये मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो 5 5 2 कितना हुआ, 5 5 2 कितना 3 3 ये हो गया 3x - 5x -2x -2x देन x will be कितना बच्चों -3/2 so x will be -3/2 that is a not x equal. आने लगा बच्चों, is that clear everyone? Take this picture, everything is clear I think. Yes sir. Done. अरे यस और नो तो बोला जा सकता है ना, यस नो बोल के कुछ कमेंट होता है. यस सर. यस सर. ओके, तो अभी आते हैं बच्चों, ये तो हो गया आप लोगों का क्या कॉन्सेप्ट ऑफ डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज का, हट गया है तुम लोगों का, वरना प्रॉपर्टीज में अगर पागल कर लेते हो तुम लोग खुद को, तो वो हट गया है, बहुत ही अच्छी बात है. प्रॉपर्टीज के बाद 4.3 का कॉन्सेप्ट क्या है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल बच्चों ये तो याद होगा आप लोगों को. चलो आप इन डिटरमिनेंट सर जो दिया होगा डिटरमिनेंट x1 y1 x2 y1 y2 y3 एक 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 1 1 1 डिटरमिनेंट ओके खत्म.
कहानी खत्म, ये इसको यूज करके करना है आप लोगों को, ठीक है। कोलिनियर का कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों, अगर x, अगर मैं बोलूं x1y1 x2y2 x3y3 कोलिनियर है, अगर मैं बोलूं आप लोगों को x1y1 x2y2 कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, y3 आर कोलिनियर, आर कोलिनियर इफ 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 क्यों, क्या कंडीशन होना चाहिए बच्चों, कोई बता सकता है मुझे क्या होना चाहिए कंडीशन, कि उसका डिटरमिनेंट, उसका क्या मतलब एरिया, मतलब बेसिकली हम बोल रहे एरिया, उसका कितना होना चाहिए, दो जीरो जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, इज दैट क्लियर। तो इसको हम कोलिनियर कब बोलेंगे, जबकि ये जीरो होगा, या फिर इसको जीरो कब होगा, जबकि ये कोलिनियर होगा। तो बेसिकली हमको कोलिनियर दिखाना होगा, क्या दिखाना पड़ेगा, जीरो दिखाना पड़ेगा। कहानी खत्म बच्चों। यस सर। यस सर। अभी आते हैं, एक आता है माइनर, एक आता है कोफैक्टर, माइनर कोफैक्टर, ये तो याद होगा, ये भी बताना पड़ेगा उसको बच्चों, ये भी याद होगा कि उन लोगों को बताना पड़ेगा, माइनर याद होगा सबको, आई थिंक 1 2 3 4, तो 1 का माइनर प्लस कितना, 1 2 3 4 है, 1 का माइनर कितना, 4 4 4 1 का हो गया 4, 2 का कितना 3, 3 का कितना 2, 4 का कितना 1, पर बाबू तो अगर m को किसे लिखते हैं, माइनर को m में लिखते हैं, m 1 1 कितना हो जाएगा 4, माइनस वन होल्ड टू दौर माइनस वन टू की पावर आई प्लस जे, मतलब वन प्लस वन कितने हो गया, मतलब टू, ओके, इनटू परस्पर्डिंग माइनर थ्री फोर, ये तो हो गया, वन हो गया, तो चार मिला मेरा आंसर, पानी खत्म। तो इसका होगा बच्चों कितना, तीन, मतलब ये होगा वन प्लस टू थ्री, तो ये होगा माइनस, ये होगा माइनस थ्री। अच्छा निकाल सकते हो आराम से, निकाल सकते हो। Yes sir. Yes sir. अगर हमको ऐसे क्या भी लिखना है तो साइन के अलावा क्या, तो प्लस माइनस ही होगा, क्योंकि ये वन वन है मतलब इवन है, यहाँ पे वन टू है मतलब ये ऑड है, ये क्या हो गया आप लोगों का टू वन मतलब ऑड, और ये हो गया टू मतलब इवन, तो ऑब्वियसली साइन कितना होगा, इसका पहला प्लस इसका माइनस इसका माइनस इसका प्लस, ऐसे भी करते हैं डायरेक्टली शॉर्टकट में भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विल बी देयर, ठीक है। इतना लिख के सीधा चार नहीं लिख के साइन सीधा तीन माइनस तीन, यहाँ पे सीधा ना लिख के ये टू है मतलब यहाँ पे नेगेटिव, तो माइनस टू, और यहाँ पे प्लस मतलब प्लस वन, ठीक है, ऐसे करके भी कर सकते। कहानी को जैसे भी करके खत्म करना है, आधा अधूरा नहीं छोड़ना है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, माइनर एंड कोफैक्टर, 3 क्रॉस 3 हो 2 क्रॉस 2 आराम से निकाल सकते हो अभी तुम लोग। यस सर। ज्यादा गलती नहीं पे, ज्यादा गलती नहीं पे ही होता है, कहां होता है, कोफैक्टर में होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, वेरी गुड, ओके बच्चों ये हो गया आपका माइनर एंड कोफैक्टर। अभी हम एक उसके ऊपर इसके विचार करेंगे, क्योंकि माइनर कोफैक्टर सब कुछ हम लोगों का यूज होगा, माइनर कोफैक्टर के बाद जो कांसेप्ट था, माइनर कोफैक्टर तो आप लोगों का खत्म हो गया, आप लोगों का माइनर हो गया, कोफैक्टर हो गया। अभी सीधा आते हैं एडजॉइंट, ए डी से क्या था, कुछ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे बनता है बच्चों, एनीवन कैन एनीवन से मी व्हाट इज the meaning of adjoint of A, can anyone define me?
सर एडजॉइंट ऑफ ए एंड बी कोफैक्टर का मैट्रिक्स का कोफैक्टर का मैट्रिक्स का ट्रांस कोफैक्टर का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है कुछ नहीं होता छोटा सा मैं 2 क्रॉस 2 करके दिखा देता हूं आप लोगों को जल्दी जल्दी मुझे बताओ बच्चों कि इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स कितना होगा तो बता सकते सीधा कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए कितना होगा तो उसके लिए माइनस निकालना पड़ेगा तो ज्यादा बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं कि सीधा सीधा करके दिखा देंगे तो सर खुश हो जाएंगे कुछ वैसा बहादुरी दिखाने का जरूरत नहीं माइनर निकालो आराम से कोफैक्टर निकालो उसको मैट्रिक्स के तरह लिख दो एक स्टेप ज्यादा होगा लेकिन अच्छे से होगा बहादुरी दिखाने जाओगे एक माइनस रॉन्ग हुआ सीधा जीरो उसमें और कुछ मतलब और देखने का जरूरत नहीं है ठीक है ना तो बहादुरी दिखाने का जरूरत नहीं है मैं अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा बहादुरी दिखा देता हूँ तुम लोग थोड़ा बहादुरी मत दिखाना आराम से करना ठीक है तो माइनस सीधा बताओ चार चार वन का माइनस चार और चार पे गए यहाँ पे पहला पोजिशन में तो पहला पोजिशन में तो वन वन मतलब इवन मतलब ऐसा प्लस माइनस होता है ना माइनस प्लस आया तो समझ में सर बट वो जो आप ए लिखे हैं वो डिटरमिनेंट फॉर्म में रहेगा क्या वन 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 टू थ्री फोर जो लिखे हैं वन टू थ्री फोर हाँ वो डिटरमिनेंट फॉर्म में रहेगा ना मैट्रिक्स फॉर्म में रहेगा कैसे फॉर्म में रहेगा तुम बताओ मैट्रिक्स फॉर्म में रहना चाहिए सर मैट्रिक्स फॉर्म में रहना चाहिए पक्का सर जितना पढ़े उतना उतना हिसाब से तो मैट्रिक्स फॉर्म में रहना चाहिए कौन पढ़ाएगा सर हां कौन पढ़ाएगा अभी पढ़ाया हूं ओ माय गॉड एनीवन कैन एनीवन मैट्रिक्स फॉर्म में मैट्रिक्स फॉर्म में तो अगर मैं लिख लूं कि x इक्वल टू y एवरीथिंग देन दैट मींस x y अगर मैं लिख दूं 1 इक्वल टू 0 दैट मींस 1 इक्वल टू 0 ये सर आप लिख रहे हैं ना सर आप लिख रहे हैं मतलब सही होगा अभी तक तो कोई एक बच्चा बस वो उसको दिखा तो वो बोला अब तब अभी अगर मैं पूछूंगा फिर सब बोलेंगे सर मैट्रिक्स वाला तब पहले से कोई भी नहीं बता रहा था हां पहले से कोई भी नहीं बता रहा था वो ऐसे सर आपने अपने गलती से ये लिख दिया बोल के ओके लिसन तो बताओ जल्दी ये कितना होगा उसका माइनर कितना हुआ वन का माइनर कितना चार फोर चार का कोफैक्टर चार मतलब कोफैक्टर भी चार ही होगा क्योंकि यहां पे फिर टू का कितना उसी का हम माइनस निकाले कोफैक्टर निकाले और कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मैट्रिक्स के फॉर्मेट में हमने सजा के लिख दिया कि वन का कोफैक्टर चार दो का कोफैक्टर माइनस तीन तीन का कोफैक्टर माइनस दो चार का कोफैक्टर वन इज दैट क्लियर इतना तक सबका क्लियर लेकिन एग्जाम के टाइम में आप लोग माइनस कोफैक्टर निकाल के इसको लिखना लास्ट में ठीक है इसका सबका क्लियर कि नहीं इज दैट क्लियर टू एवरीवन यस सर उसी का ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ सीएम कोफैक्टर मैट्रिक्स तो कितना होगा फोर माइनस दो माइनस तीन एक Is that clear to everyone, bacha? Yes. Yes. Two plus two में बच्चों मैंने trick बताया था तुम लोगों इसको याद है कि two plus two matrix है वो उसका जब हम quadrant निकाल रहे सीधा सीधा निकाल सकते हैं कोई बता सकता है क्या था उसका trick? Anyone? सब first और मतलब last का interchange करेंगे और second और third का sign change करेंगे. A और D को हम क्या करेंगे बच्चों इंटरचेंज करेंगे एक और A और D को हम क्या करेंगे इंटरचेंज करेंगे और C और D को क्या करेंगे क्या करेंगे चुप मत बोलो ठीक है तो देखो यहाँ पे क्या था वन फोर था इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया कितना मिला फोर वन इंटरचेंज हो गया और 2 का साइन क्या था 3 का साइन क्या था 2 का साइन माइनस था 2 का साइन प्लस था 3 का साइन प्लस था
उसको जब हमने साइन चेंज कर दिया इक्वल माइनस टू माइनस सिक्स सो ट्रांसपोज ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ दैट ए विल बी 4 माइनस टू माइनस 3 तो 2 क्रॉस 2 के लिए वैलिड है 3 क्रॉस 3 के लिए वैलिड नहीं है ठीक है तो 2 क्रॉस 2 में ही ऐसे करके अगर चाहो तो कर सकते हो नॉर्मली वरना स्टेप वाइज कर देना नो प्रॉब्लम तो सर क्लियर टू एवरीवन हेड एंड ऑफ ए कांसेप्ट क्लियर सबका पहले आप लोगों को कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है उसका ट्रांसपोज ले जाओ तो मुझे क्या मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज दैट क्लियर टू एवरीवन यस सर यस सर तो ये हो गया आप लोगों का जो कोफैक्टर मैट्रिक्स अब इनवर्स हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग द कोफैक्टर और माइनर सो कैन आई इज दैट क्लियर टू एवरीवन एडजेसेंट ए बाय मोड डिटरमिनेंट सो इफ ए मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट मतलब क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए a matrix a determinant sir determinant of ठीक है is that clear why determinant of वो क्या होता है चलो वो बॉयज नहीं आ रहे सर हेलो हेलो माय वॉइस इज क्लियर यस सर यस सर हेलो स्टूडेंट आर्टिकल सर कम यस सर यस सर यस सर एम आई ऑडिबल और नॉट कौन सा मैट्रिक्स बोलते थे उसको डिटरमिनेंट ऑफ ए सिंगुलर नॉन सिंगुलर टू फाइंड आउट or to be invertible a matrix should be singular or non singular so a matrix ko kya hona chahiye singular matrix hona chahiye ya phir non singular matrix hona chahiye uska inverse nikalne ke liye non singular theek hai that means usko ek non singular matrix hona chahiye jisme ki uska determinant not equal to 0 hona chahiye aur jo bacha usko singular hona chahiye ज्यादातर मतलब क्वेश्चन में 3 क्रॉस 3 क्योंकि 2 क्रॉस 3 बहुत ही नॉर्मल हो जाता है तो 3 क्रॉस 3 में ज्यादा थोड़ा ध्यान देंगे और एनसीईआरटी ये बुक है ना इसमें से आप लोगों को सब क्वेश्चन करना है सब क्वेश्चन एंड सब क्या एग्जांपल्स आप लोग अच्छे से करना है ईच एंड एवरी एग्जांपल एंड एक्सरसाइज ऑफ द बुक आर इंपॉर्टेंट क्लियर इज दैट क्लियर टू एवरीवन यस सर और सिस्टम ऑफ सिस्टम जो 4.6 है वो पढ़ा गया है पढ़ गया इस बार सिस्टम ऑफ ज्योमेट्रिक्स जो सॉल्विंग तो एक्स वाई
ओके बच्चों, तो यहां पे तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर सबका हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर आई थिंक. सिंगुलर और नॉन सिंगुलर बच्चों हो गया सबका? यस सर. यस सर. तो मैं बोल रहा था कि वो वाला कॉन्सेप्ट है तुम लोगों का या फिर डिलीट हो गया है लास्ट वाला? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम सॉल्विंग सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आई थिंक वो डिलीट हो गया है तुम लोगों का, ठीक है ना? फिर भी अगर है तो देख लेना कि वहां पे जो x y z का वैल्यू निकाल रहे थे सेम ही कांसेप्ट था, ठीक है? उसका क्या फार्मूला था? a x = b के फॉर्म हमने पढ़ा है सब कुछ. a x = b के फॉर्मेट में होता था. a इज द कोएफिशिएंट होता था, x होता था मेरा x y z और b होता था मेरा कांस्टेंट टर्म्स. इसको रिलेट करके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते थे, फिर यहां से x और y और z का वैल्यू निकाल देते थे, ठीक है? आया समझ में? ये वाला कांसेप्ट समझे होंगे तुम लोग, हमने पढ़ा भी था अच्छे से. अगर ये वाला तुम लोग का आई थिंक डिलीट हो गया है, ठीक है? इसका रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आया है क्योंकि डिलीटेड पोर्शन में था, मैंने चेक नहीं किया था, मुझे लग रहा है ये डिलीट है, ठीक है? तो तुम लोग और एक बार चेक कर लेना, लेकिन इस बार रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, मैंने बोल दिया पहले से, ठीक है? तो इसको फिर भी प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट होने वाला है तुम लोगों का. इज दैट क्लियर एवरीवन? सो टेक द स्क्रीनशॉट एंड यस एनी डाउट? सर मैं लीव कर रहा हूं अभी. लीव कर रहे हो? हाँ करो, नो प्रॉब्लम. थैंक यू सर. क्यों कर रहे हो लीव? सर मेरे पापा अभी बोले. ओके ओके नो प्रॉब्लम. थैंक यू सर. ओके सो बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर? डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट सबका अच्छे से क्लियर आई थिंक? यस सर. सीधा मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. कॉन्सेप्ट क्लियर? आईटीएफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स जो कॉन्सेप्ट था सबका अच्छे से क्लियर हो गया आई थिंक? हां सर. यस सर. एक बच्चा तब से हां, दो बच्चा हां और तीन बच्चा ना भी नहीं बोल रहा, दो हां में ही रह जा रहा है मेरा आंसर और रिस्पांस, ठीक है? उसको बच्चों थोड़ा मुझे पूरा विश्वास है तुम लोगों के. ग्रेट नो प्रॉब्लम. हम अपना काम करेंगे, बाकी मुझे नहीं पता तुम लोग क्या करोगे. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. ये मैं रिवाइज नहीं कर रहा, मैं बस तुम लोगों को बस बता दे रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है. पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पहले इंटीग्रल्स मतलब कैलकुलस में पूरा मैं ये डेरिवेटिव नहीं लिख रहा, मैं सीधा इसको कैलकुलस से लिख रहा हूँ क्या क्या हो सकता है. चैप्टर ये हम स्टार्ट करेंगे 5, 6, 7, 8, 9 तक, मतलब पूरा कैलकुलस. और प्रॉब्लम तुम लोग का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्री बोर्ड खत्म होते ही मैंने बोला जैसे कि पूरा अच्छा वाला तुम लोग का क्लास. किसी को लीव करना है कि क्लास लेंदी अगर लग रहा है यू कैन लीव, नो प्रॉब्लम. अगर तुम लोग को लग रहा है कि क्लास लेंदी हो रहा है हमको पढ़ना है तुम लोग एग्जाम के लिए यू कैन लीव. यहाँ पे जबरदस्ती बैठने का कोई भी मायने नहीं रख रहा. अगर तुम लोग को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लग रहा तो यू कैन लीव एंड तुम लोग जाके तुम लोग का पढ़ाई कर सकते हो कल के लिए. अगर जिसको रहना है पढ़ाई करो, ठीक है? ऐसा कोई बच्चा है क्या जिसको लीव करना है अभी? नो सर. नहीं, अगर करना चाहो तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने बोला था पहले से ये लेंदी होने वाला है क्लास. जिसको रहना है तो रहो, जिसको नहीं रहना है सर आराम से रात को 9 बजे तक कीजिए. क्या हुआ? हमारे आराम से रात को 9 बजे तक कीजिए सर. दैट गुड, यही सुनना था मुझे बच्चों, जो कि मुझे एक ही बच्चे से सुनने मिला. अभी बाकी बच्चे बोल रहे होंगे क्या शाश्वत क्या बोल रहे, तो 9 बजे तक कौन बैठेगा यहाँ पे, ठीक है? जो भी बैठेगा फायदा मिलेगा. सर क्वेश्चन पेपर दे दीजिए, सर क्वेश्चन पेपर दे दीजिए, सब बैठा रहेगा. ओह माय गॉड, अब जितना तक नहीं आया सर वो भी आ जाएंगे. ओके लास्ट तक रहोगे, लास्ट तक रहोगे, ठीक है? लास्ट तक रहो, तुम लोगों के लिए सरप्राइज है. इतना बता दीजिए, इसको रहना है लास्ट तक रहो और पढ़ाई करो,
सरप्राइज मिलेगा अगर लिफ्ट करोगे तो सरप्राइज जाएगा तुम्हें। ओके सो अभी कैलकुलस पार्ट पे आते हैं बच्चों। कैलकुलस पार्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट तुम लोगों का सीधा सीधा 80% कांसेप्ट तुम लोगों का फार्मूला के ऊपर बेस्ड करता है, फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड करता है। ताकि फॉर्मूला अगर तुम लोग भूल जा रहे हो तो कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको पता भी होगा तो फॉर्मूला अगर नहीं पता होगा तो कहानी वहीं पे खत्म होने वाला है आप लोगों का, ठीक है। वो तो मैं अभी नहीं बताने वाला क्योंकि वो तो तुम लोग किए होंगे डेरिवेटिव सब कुछ। बस मैं भी कुछ बता सकता हूँ लाइक ज्यादा जो यूज होता है प्रोडक्ट प्रोडक्ट यूनिट या फिर परसेंट यूनिट, ठीक है ना। तो वो सब अगर हम आप लोग पढ़ना चाहूँ कि मतलब देखना चाहो कि ये तो अभी पूरा मुंह में आ जाना चाहिए फिर भी बहुत बच्चों अभी तक नहीं आया होगा, फिर भी कॉन्सेप्ट को ज्यादा समझो, ट्राई करो कि कितना प्रॉब्लम तुम लोग दिन में सॉल्व कर पा रहे हो ताकि तुम लोगों का ही बेनिफिट होगा, ठीक है। तो यू एंड यू चलेगा सब नहीं होगा ओके। तो ये होगा यू इन टू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस बी इन टू डेरिवेटिव ऑफ वी। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया प्रोडक्ट रूल का। कोसेंट रूल का बच्चों कोसेंट रूल का बता सकते हो, ये हो गया आप लोगों का डेरिवेटिव ऑफ यू इनटू वी, ओके ना। और डेरिवेटिव ऑफ यू बाय वी का जो कॉन्सेप्ट हो जाएगा पहले आएगा वी नॉट यू, पहले आएगा वी, ओके। वी इनटू डेरिवेटिव ऑफ व्हाट यू माइनस यू इनटू डेरिवेटिव ऑफ वी होल डिवाइडेड बाय वी का होल स्क्वायर। टू एवरीवन Yes, sir. ठीक है, ये हम क्या करोगे प्रोडक्ट रूल कॉन्सेप्ट रूल ज्यादातर क्वेश्चन के ये बार आते हैं। मैंने इसलिए बोला था कि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर बेसिक फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो बहुत ही आराम हो जाता है। आप लोग डेरिवेटिव करो या फिर कैलकुलस का कोई भी पार्ट कर लो, अगर आप लोगों को फॉर्मूला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। जितना कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर हो जाओ फिर भी फॉर्मूला बेसिक फंडामेंटल को आप लोगों को याद में रखना है, ठीक है। और जो बाकी ज्यादा वो काम करता है वो होता है प्रैक्टिस, क्योंकि मैं लिख के दे रहा हूँ कि आप लोग को एनसीईआरटी 5 बार भी कर ली होगी, 5 बार भी अगर एनसीईआरटी कर ली हो गया लेकिन अगर प्रैक्टिस मतलब वो 2-3 महीना पहले आप लोग की होगी या फिर 4-5 दिन पहले की होगी देन आई एम डैम श्योर कि अगर अभी एक क्वेश्चन होगा तुम लोग का रॉन्ग हो जाएगा कहीं ना कहीं प्लस माइनस आप लोग रॉन्ग कर दोगे ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग को कैलकुलस, मैंने बोला था आप लोगों को कैलकुलस से आप लोग 34 या 35 मार्क कर रहा है, मतलब मान लो कि 50% मतलब 45% पूछे ना कैलकुलस पार्ट से। अगर आप लोगों को कैलकुलस पार्ट ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आधा मार्क तो तुम लोग वहीं पे चला गया, बाकी आधा मार्क में तुम लोग रख भी दोगे फुल से फुल तो 35 तो कट गया यहाँ पे। यहाँ से अगर आप लोग 5 मार्क मतलब यहाँ पे अगर 35 से अगर आप 25 भी ले आ रहे हो तो 10 मार्क तो यहीं पे कट गया ना। तो आप लोग को जैसे भी करके मैथ ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें कि आप लोग को 90% अबव स्कोर करना ही है, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग को 80/80 भी आएगा अगर आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर लो। और इस बार कोरोना के चलते अगर आप लोग 80/80 नहीं ले पा रहे हो तो बाकी कभी भी नहीं ले पाओगे, मैं लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को। तो इसको अपॉर्चुनिटी समझ के इसको ग्राफ करो, प्रैक्टिस करो, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर बहुत सिंपल से आना वाला है, मार्किंग भी बहुत आराम से तुम लोग को मिलने वाला है, कोरोना बैच हो तुम लोग, ठीक है। तो उसका फायदा इस सीबीएसई में इस बार अगर आप लोग 90% रख के खुशी मना रहे हो कि मैं 90% रख दिया, यस मैंने कर दिया, तो सब बच्चे 90% रखने वाले हैं। तुम लोग अगर 95% रखोगे तो एक थोड़ा सा यूनिकनेस ला सकते हो, और अगर आप लोगों को 90% करके बहुत खुशी मिल रहा है तो खुश रहो, मुझे कुछ नहीं बोलना। लेकिन जो बच्चा एडवांसेज ले सकता है ये बैच का लो, अगर नहीं ले सकते हो तो कुछ नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो कॉन्सेप्ट क्लियर, पहले तो फॉर्मूला आप लोगों को करना है, सिंपल कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। हम ज्यादातर क्या करते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड जानने के टाइम ये सिंपल कॉन्सेप्ट छोड़ देते हैं, जहाँ पे की छोटा छोटा चीज नहीं सिली मिस्ट बहुत बच्चों का मैंने कॉपी चेकिंग के टाइम देखा है ये छोटा छोटा सिली मिस्टेक में ही कम होता है मार्क। तो सिली मिस्टेक करना है क्या नहीं है, कॉन्सेप्ट में जाओ मिस्टेक पूरा लेस कर दो ताकि वो प्रैक्टिस में आप लोग मतलब जो आप टेस्ट दोगे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला फिर प्रैक्टिस फिर छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जिसको आप लोगों को याद रखना है। और बाकी एनसीईआरटी का मैं बोल रहा हूँ बच्चों, मैं बार बार उसमें ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ, तुम लोगों को पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी जो ये है ना ये 12-13 साल से जो चल रहा है
इसको पूरा अच्छे से पूरा रंप दो, रैप दो, जो बोलते हैं कर दो, मतलब उड़िया में बोलते हैं ना पूरा, मतलब कसी दियो, मैथ में कसी दियो, हमारे मैथ सर हम बोलते हैं मैथ में पूरा कसी दियो, समझे, एनसीईआरटी पूरा कसी दियो तो ऑब्वियसली अच्छा ही जाएगा, जितना हो रहा है करो, नहीं हो रहा है दो बार करो, एक प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो उसको दो बार करो, और जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको एक बार करो, लेकिन करो, ये हो रहा है छोड़ दो तो काम खत्म ही, वही वाला ही आएगा, वही वाला रहूंगा, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट। ये मैं डाउट क्लियरिंग क्लास नहीं रखा हूँ, तो सर आप हमको डी बाई डी सब फाइव एक्स का बता दीजिए, मैं वो नहीं रखा हूँ उसके लिए क्लास, मैं जस्ट कहाँ से क्या तुम लोग कैसे अचीव कर सकते हो उसके लिए मैंने ये क्लास रखा है, ताकि ये छोटा छोटा चीज मिस्टेक नहीं होगा जैसे, ताकि आप लोग अच्छे से स्कोर कर सकते, जो बच्चे उसके लिए वेट किए वो लोग वेट करते ही रहो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं बस कॉन्सेप्ट तुम लोगों को बताने वाला हूँ, बाकी प्रैक्टिस तुम लोग के ऊपर में, जितना प्रैक्टिस, जितना जो प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि पढ़ाई सबको सेम पढ़ाया गया है, मैंने स्वागत को कुछ अलग, तनिष्का को कुछ अलग, स्नेहा को कुछ अलग, पुष्पक को कुछ अलग नहीं पढ़ाया, सम सेम कॉन्सेप्ट मैंने सबको दिया है, अभी आउटपुट तुम लोग के फंक्शन के तरह है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स के तरह, आप लोग एक्स में जो वैल्यू पुट करोगे फंक्शन में आप लोग को वैसे ही वैल्यू मिलेगी, तो वो आप लोग के ऊपर में, आप लोग कैसे इनपुट कर रहे हो उसके से आपको कैसे आउटपुट मिल रहा है, तो एमसीईआरटी हर क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, पर डिफरेंशिएशन में क्या कुछ नहीं है, पहला वाला जो कांसेप्ट है हम लोगों का नॉर्मल डिफरेंशिएशन सिक्स, पहले है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी बच्चों कंटिन्यूटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, डेरिवेटिव का था इसको आप लोगों को करना है, कंटिन्यूटी का कांसेप्ट क्या था, कांसेप्ट उसका डिसकंटिन्यूअस दिखाने के लिए बच्चों, और कांसेप्ट क्लियर सर, कंटिन्यूटी का कांसेप्ट सबका क्लियर, ज्यादा फोकस करेंगे के वाला क्वेश्चंस पे, कौन से के वाला, फाइंड द वैल्यू के, फाइंड द वैल्यू के जो एमसीईआरटी का जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, बहुत सारे क्वेश्चन होता है कि कुछ वैल्यू दे देता है और बोल देता है कि इट इज कंटिन्यूअस एट x = 1, याद आ रहा है सबको, याद आ रहा है सबको, इट इज कंटिन्यूअस, इट इज ऑलरेडी कंटिन्यूअस एट x = a, देन फाइंड द वैल्यू के, ये सब क्वेश्चंस याद आ रहा है सबको, तीनों को सेम करो और उसका वैल्यू निकाल दो, मतलब इक्वेटिंग करके उसका वैल्यू निकालना होता है, ठीक है ना, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ज्यादा बच्चे बहुत सारे बच्चे का वही सेम कॉन्सेप्ट में हर बार डाउट होता है, ये बच्चों कौन से फंक्शन है, तो बता सकते f(x) = x, जो मैंने यहां पर ब्रैकेट x किया, ये कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वेरी गुड, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्वेश्चन ना मैं थोड़ा सा करवा देता हूं, इज दैट क्लियर, इतना तक बच्चों सबका क्लियर, यस सर, चले इधर एक सेकंड जी, सेकंड, यस सर, x माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, नहीं नहीं और इतना देखो, उससे पहला वाला पेज में था देखो, 9 नंबर 8 नंबर के आसपास था एनसीईआरटी बुक, जिसके बाद से वो लोग चेक कर सकते हैं, फिर आप जो बोले वो तो 19 नंबर है, नहीं 19 नंबर नहीं बोल रहा मैं, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर, देखो 8 या 9 नंबर के आसपास देखो, f(x) =
greater integral function x, prove that it is discontinuous at all integral points. सर एक्सरसाइज में एट पॉइंट x इक्वल टू वन है एट x इक्वल टू वन कौन सा नंबर 6.1 का नंबर 10 नंबर 10 क्या बोला क्या क्वेश्चन करो अरे एनसीईआरटी इसके पास है क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा पढ़ो क्या था क्वेश्चन सर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन अरे भाई ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं था एक्स माइनस ग्रेटर इंटीजर ऑफ एक्स था वही तो बोल रहा था x 19 नंबर था नहीं सस्त ओके मुझे लगा कि वो खाली था मैं कब किया था सर x माइनस हां ये वाला क्वेश्चन था जहां पे इट इज डिस्कंटीन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट ठीक ऐसा ही था क्वेश्चन आई थी ठीक है ये क्वेश्चन बच्चों मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन अपने आप में थोड़ा यूनिक बना देता है क्योंकि यहां पे ये जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन का देते हैं इसी के लिए थोड़ा सा यूनिक बन जाता है ठीक है ना तो थोड़ा समझो क्या करना है इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट है उसको डिसकंटीन्यूअस दिखा रहा है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स ठीक है तो लेट हम एक ए पॉइंट ले जाते हैं जो कि इंटीग्रल पॉइंट है मींस जेड मतलब इंटीजर को बिलोंग्स करता है ठीक है अगर मैं ए को डिसकंटीन्यूअस दिखा दूं तो मैं बोल सकता हूं कि इट इज डिसकंटीन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स इज दैट क्लियर टू एवरीवन एक फंक्शन गिवन है x माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमको उसको डिसकंटीन्यूअस दिखाना है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स में तो अगर मैं a को z में ले लिया एक इंटीजर पॉइंट ले लिया और a को अगर मैं दिखा दूं इट इज डिसकंटीन्यूअस तो मैं बोल सकता हूं कि सब पॉइंट्स इंटीग्रल पॉइंट्स के लिए ये डिसकंटीन्यूअस है इज दैट क्लियर टू एवरीवन यस सर वेरी गुड तो बच्चों अभी करना क्या है देखो सिंपल सा कांसेप्ट है मैंने a बिलोंग्स टू z ले उसका RHL निकालो उसका RHL निकालो चेक करो कि RHL इक्वल टू RHL हो रहा है कि अगर एल एच एल इक्वल टू आर एच एल हो रहा है तो कंटिन्यूस अगर नहीं हो रहा है तो नॉट कंटिन्यूस और डिसकंटीन्यूअस ठीक है तो समझो कॉन्सेप्ट को क्या करना है तो वो जो एल एच एल आर एच एल निकालना ही बात है ठीक है हम एल एच एल में क्या होता है लिमिट एक्स टेंड टू मैंने पॉइंट लिया ए तो ए माइनस एफ ऑफ एक्स ठीक है अच्छा लिमिट एक्स टेंड टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स में कितना लिखेंगे एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स तो जब ये एलएचएल हम करते तो हम x माइनस a प्लस a माइनस में क्या लिखते हैं हम उसको किस में लिखते हैं h में लिखते हैं h ठीक है वो कैसे करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 बच्चों पता है कि तुमको बहुत अच्छे से पता है मैंने बोला था जब ये h टेंड्स टू 0 करेंगे तो क्या करेंगे हम जो फंक्शन होगा f ऑफ x होगा वो क्या हो जाएगा मेरा f ऑफ a माइनस h हो जाएगा फंक्शन ऑफ a माइनस पॉइंट माइनस h लेफ्ट हैंड साइड के लिए एलएचएल के लिए पॉइंट माइनस एच आर एच एल के लिए बच्चों कितना हो जाएगा ए प्लस याद आ रहा है मैंने पूरा नोट्स में पूरा बिट बाय बिट लिख दिया है अगर नहीं तुम लोग को डाउट हो रहा है देख सकते हो अरे एच एच अभी कितना होगा तुम लोग बताओ पॉइंट एंड पॉइंट इन एच ए माइनस एच मतलब ए माइनस एच ओके माइनस ए माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बस इतना तक तो सब बच्चा कर लेगा इसके बाद वाला स्टेप में मैं देखो लिखूंगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 a माइनस h मैंने लिख दिया यहां पे ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a माइनस h होगा वो क्या होगा आप लोग बताओ उसके लिए a माइनस 1 समझो बहुत ध्यान से समझो ठीक है ये बच्चों सपोज हो गया मेरा a पॉइंट ये अगर मेरा बच्चा हो गया a पॉइंट तो ऑब्वियसली इसका पहला वाला पॉइंट कौन होगा a माइनस 1 और उसके बाद वाला पॉइंट कौन होगा उसका पहला वाला पॉइंट कौन होगा a माइनस 1 उसका बाद वाला पॉइंट कौन होगा a प्लस 1 इज दैट क्लियर और नॉट समझो थोड़ा सा समझो ठीक है अभी जब भी ये पॉइंट से लेते हैं सपोज ये 0 पॉइंट है और ये बेटा माइनस 1 पॉइंट ये बेटा 1 पॉइंट तो 0 माइनस से लेते हैं हम पूरा लेफ्ट साइड 0 का लेते हैं मतलब वेरी वेरी लेस देन 0 लेस देन 0 बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0 और आगे चलिए एलएचएल की ठीक है और
इंटीजर वैल्यू कितना होगा तो हम बताएगा, ब्रैकेट इंटीजर का फंक्शन तुम लोग बताएगा, ये 0 माइनस 1 1 है, अगर यहां 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 कोई भी वैल्यू तो उसका लेफ्ट इंटीजर 0 होगा, उसके लेफ्ट साइड में जो इंटीजर है तो जितना भी मैंने पॉइंट साइड में लिखा उसका लेफ्ट साइड में 0 आ रहा है, 0 इंटीजर अगर मैं कहीं यहां पे कुछ भी पॉइंट्स ले लेता हूं उसका लेफ्ट इंटीजर बच्चों कितना होगा माइनस 1 होगा, माइनस 1 क्लियर। ये ऐसा नहीं है नहीं, ये h यहां पे मान कर टूट गया है, ऐसा नहीं है, a माइनस कैसे हुआ ये कहां से आता है ये वाला समझ के तुम मतलब समझता हो, अगर ये वाला नहीं समझ इसको तुक्का मार रहे हो तो काम नहीं करेगा, सब जगह में काम नहीं करेगा, ठीक है। अभी ब्रैकेट को खोल दो तो कितना हो गया, ये हो गया ब्रैकेट को अगर हम खोल देंगे यहीं पे कर दो तो ये प्लस a हो गया, ठीक है, तो प्लस a माइनस x कैंसिल तो बचा नहीं 1 माइनस x, तो ऐसे जो हम जीरो को करेंगे तो द लिमिट विल बिकम हाउ मच 1, is that clear? तो left hand limit बच्चों कितना निकला था? Left hand limit कितना निकला था? 1. Take this sensor. Quickly take this sensor. Again? Yes sir. मैं यहीं पे करके दिखा रहा हूँ और वहाँ पे नहीं कर रहा, ठीक? मैं ये कर रहा, ठीक है? देखो, listen. अभी हम LHL निकालेंगे. LHL का क्या आपने ध्यान दिया? इसका LHL कितना निकला? इसका LHL निकला 1. अभी check करते हैं कि LHL कितना निकल रहा है, ठीक है? सर अभी बताओ बच्चों मुझे a plus h को मैंने लिख दिया, a plus h का ब्रैकेट इंटीजर कितना होगा जल्दी बताओ, a plus h मतलब ऐसा पॉइंट है जो थोड़ा सा बड़ा है a से बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 1, उसके लेफ्ट साइड में जहां भी पॉइंट होगा उसके लेफ्ट साइड में कौन है, उसके लेफ्ट साइड में कौन है a है, तो a कैंसिल h मिला, कितना मिला आंसर इक्वल टू 0, LHL और RHL सेम हुआ क्या बच्चों, LHL और RHL सेम हुआ क्या, LHL कितना निकला था, LHL कितना निकला था 1, RHL 1 निकला था, RHL कितना निकला 0 निकला, तो क्या है सेम है, सो दैट सिंस द LHL इज नॉट इक्वल टू RHL दैट मींस इट इज डिसकंटीन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट्स एक्स, इज दैट क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, नोट इट डाउन, इज दैट क्लियर, आई थिंक सबका क्लियर ये वाला कांसेप्ट, यस सर, ग्रेट, सो टेक दिस सिंपल क्विकली, टेक दिस सिंपल, Neha is not taking screenshot. Done? Done? Yes, sir. Okay, sir. So, how many students are there now? Sir, 14. Huh? How many? 14. 1, 4, 14. Again, yes sir, 1-4, not 2-4. Sir, surprise sir. कौन कौन है कौन? Surprise sir, आप? मिलेगा मिलेगा, मैंने बोला है ना surprise मिलेगा, last तक रहो, और थोड़ा discuss करेंगे, फिर मैं बोलूँगा, किसी को भी निराश नहीं करूँगा। जो बच्चे हैं, 14 students हैं, अगर 2 students भी रहे तो last तक पढ़ाओ। Is that clear? Good. स्वागत मिश्रा, स्नेहा प्रिया दशनीगिरी, उसके बाद पता नहीं, उसके बाद पता नहीं, सर अक्रम, अंकिता, दीपज्योति, दीप्तिमान, हर्षिता, लिंगराज, नेहा, प्रियदर्शनी, पुष्पक, पुष्पांजलि, शाश्वती, ओके, ग्रेट।
ठीक है, हम एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले जाते हैं। ओके बच्चों, तुम लोगों को क्लास करना है या फिर मैं मेरा एनर्जी खाली में वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा बताओ ना। सर करेंगे, सर 9 बजे तक करेंगे, 9 बजे तक। 9 बजे तक नहीं करूंगा ना, और थोड़ा सा बाकी, थोड़ा सा अरे बताओ थर्ड वाले में क्या था। एक था हमारा एक्सपोनेंशियल वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल, और एक था पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, और एक हो गया बच्चों आप लोगों का कौन सा लास्ट वाला, जो हो गया आप लोगों का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सर वो ट्रिग्नोमेट्री भूल गए क्या? कौन सा ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इम्प्लिसिट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री और जहाँ पे कॉन्स्टेंट टू दी पावर एक्सपोनेंट मीन्स e टू दी पावर x, a टू दी पावर x, 10 टू दी पावर x, ऐसे सब में आपको एक्सपोनेंशियल लिखना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट के लिए मैंने शॉर्टकट ही बताया, ध्यान रखने के लिए कि जहाँ पर वेरिएबल टू दी पावर लाइक x टू दी पावर x, log x टू दी पावर x, x टू दी पावर log x, ऐसा कुछ होगा, मीन्स वेरिएबल होगा एक फंक्शन होगा, उसका एक्सपोनेंट ही फंक्शन की तरह होगा, वहां पे लॉगरिथमिक डिफरेंसेस यूज करेंगे, जहाँ पर नीचे में कॉन्स्टेंट होगा उसका पावर एक वेरिएबल होगा लाइक याद है सबको, साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा और टेन टू थीटा का फॉर्मूला को आप लोगों को याद रखना है। ज्यादातर में थीटा इक्वल टू 10x फुट होता है, याद होगा सबको, ठीक है। लास्ट वाला होगा पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक भी सबको याद होना चाहिए। एक अलग पैरामीटर होता है लाइक t थीटा में होता है, तो सपोज t में है तो पहले क्या निकालेंगे बच्चों, dt / dx निकालेंगे, फिर निकालेंगे क्या बच्चों, dt / dy निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, तुम लोगों को
कि प्रीपोर्ट के बाद पूरा कंटेंट वाइज हम जाएंगे चैप्टर वाइज, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम हम करेंगे जाके डिस्कशन कर सकते हैं. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. इस बार डेफिनेट इंटीग्रेशन भी आ रहा है क्या बेटा? कौन सा डेफिनेट इंटीग्रेशन? हाँ आ रहा है, आ रहा है. ओके ज्यादा नहीं आ रहा है लेकिन आ रहा है. आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा. समझदार नहीं सारा का. ग्रेट. ओके सो बच्चों अभी कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव का ज्यादातर आप लोग का क्लियर हो गया. समझदार को इशारा काफी. तो जो जो बच्चे समझदार हो आप लोग इशारा आपके लिए काफी हो सकता है. तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट क्विकली. यस सर टेकन. ग्रेट ग्रेट. ओके जैसे बोल लो पांच इसको मिला के मैं 100 बार बोल चुका हूँ मुझे नहीं लग रहा अभी आप लोगों को प्रोबेबिलिटी में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा होगा 13.1 13.2 13.3 में से. आई थिंक प्रोबेबिलिटी 13.1 इज ऑल अबाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप लोगों को एक का प्रोबेबिलिटी निकालना होता है जबकि सेकंड वाला जो इवेंट है दैट हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड. एक इवेंट का आप लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालना होता है जबकि सेकंड जो प्रोबेबिलिटी जो इवेंट होता है वो दैट हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, वो हो चुका होता था. ठीक है कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? मैं बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेना. बहुत अच्छे से सेकंड वाला कॉन्सेप्ट क्या था उसका? सेकंड वाला मल्टीप्लिकेशन 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 थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी. यहां पे बच्चों कितना इवेंट का निकाल लेते हैं? दो इवेंट का निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी. कितना इवेंट का निकाल लेते हैं? दो इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो क्या निकाल लेते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहले निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा इवेंट ए हो जाएगा फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे. व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ मींस ए द इवेंट ए हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड. इज दैट क्लियर? कांसेप्ट बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था. आई डोंट थिंक ज्यादा कुछ डाउट होना चाहिए. प्रोबेबिलिटी में मैं तुम लोगों को गारंटी दे सकता हूँ कि अभी जो भी क्वेश्चन आएगा जितना हमने किया था आराम से आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो एटलीस्ट. इज दैट क्लियर? ये था सेकंड कांसेप्ट. थर्ड वाला कांसेप्ट बच्चों उसका प्रोबेबिलिटी निकालो. ठीक है फिर ई टू इवेंट निकालो उसका प्रोबेबिलिटी निकालो. फिर एक एक लो जाओ जो कि होना होता है कि इट इज फाउंड टू बी रेड इट कुड बी अ डायमंड कार्ड वो होता है ए में. फिर निकालो कि ए होना चाहिए इवेंट वन से मतलब ए बाई ई वन वो निकालो. फिर ए बाई ई टू निकालो. ये पांचों निकालने के बाद चेक करो कि फेवरेबल आउटकम्स कौन सा इवेंट हो रहा है. ई वन हो रहा है ई टू हो रहा है ई थ्री हो रहा है. अगर ई वन हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन होल डिवाइडेड बाई
probability of e1 plus e2, या फिर probability of e2 अगर पूछा है तो probability of e2 all divided by probability of e1 plus e2 काम करता। So I think that concepts are enough for the probability. I hope. Yes sir. Is that clear to everyone? I think. ठीक है. Last बच्चों, last but not the least LPP. लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है कॉन्सेप्ट में, बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ है आप लोगों के पास. ठीक है, उसको कैसे स्टेप वाइज करना है वो स्टेप भी मैंने बोला था, आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेना. ठीक है, और कहाँ पे क्या क्या वैल्यू पुट करना है सब कुछ कॉन्सेप्ट के तरह करके उसको कर लेना. वेक्टर्स मुझे नहीं लग रहा उसको रिवाइज करने का जरूरत है, वो भी बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रिवाइज करो आप लोग. अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है, रात तक मैं पूरा अवेलेबल हूँ, मैं भी अवेलेबल हूँ, सर भी अवेलेबल है, कहीं पे रात 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जब तक तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, अगर कहीं पे कुछ का डाउट रहेगा, यू कैन सेंड योर डाउट्स टू माय व्हाट्सएप नंबर, देन आफ्टर सॉल्विंग आई विल गिव इट टू यू. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास. आई होप कि जितना भी हमने पढ़ाई किया, जितना भी कॉन्सेप्ट हमने कवर किया, आई थिंक सबका अच्छे से, जितना भी याद नहीं होना चाहिए था याद हो गया होगा स्टूडेंट्स. यस सर. यस सर. बहुत लेंथीस्ट क्लास हो गया हम लोग का 12th का. हमने आई थिंक 4:15 को स्टार्ट किया था, 4:20 आई थिंक, नाउ इट्स 6:15 और 6:20. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे का हो गया क्लास. ठीक है, लेकिन जितना भी हमने कॉन्सेप्ट को कवर किया, अगर हम 2 घंटे में 4-7-8 चैप्टर या 9 चैप्टर कवर कर पा रहे हैं, आई होप उसके बाद वाला जो भी क्लासेस होने वाला है आप लोगों का रिवीजन क्लास, वन शॉट चैप्टर वाइज रिवीजन क्लास, उसमें पूरा खतरनाक सा रिवीजन होने वाला है. तो पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करके रहना, ज्यादा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, और कुछ शॉर्ट एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, सेट्स कुछ करने वाले हैं. तो पूरा ध्यान से खुद को पूरा इक्विप करके रखना, ताकि क्लासेस उतना इंटरेस्टिंग होगा और रिकॉर्डिंग होगा सब क्लासेस और सब कुछ अपलोडेड होगा, तो उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है. अगर मिस भी कर लोगे तो यू कैन हैव द एक्सेस टू वॉच दोज वीडियोस आल्सो. ठीक है, लेकिन ये नहीं कि ये अपलोड होगा तो हम क्लास नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. मैं उसमें पासवर्ड देके रखूंगा, जो क्लास करेगा मैं उसको ही पासवर्ड दूंगा और वही एक्सेस कर पाएगा वो वीडियोस को. ठीक है, इतना भी हम मतलब क्या बोलते उसको दानी हो जाएंगे तो अच्छा बात नहीं होता है, तो थोड़ा सा हम लोग को भी देखना पड़ेगा. ठीक है, तो क्लास करो, अच्छे से रहो, खुश रहो, कल के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो, सबका जैसे अच्छा मार्क आएगा. ठीक है, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, रिवीजन क्लास में. और सरप्राइज ये है कि कल बहुत इजी क्वेश्चंस आया है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, पूरा काम रहो, खाना पीना करो, पढ़ाई करो और कल अटेम्प्ट करो तुम लोग का एग्जाम. ठीक है, ऑल द बेस्ट. डिमोटिवेट हो गए सर? डिमोटिवेट हो गए सर? कुछ नहीं बेटा, लाइफ में डिमोटिवेट होने का ही नहीं है. ठीक है, हमेशा मोटिवेट होते रहो. और देखो ये लास्ट में तुम लोग क्या क्वेश्चन के लिए वेट किए थे, क्वेश्चन बोलेंगे सर, वैसा कुछ भी नहीं है, ये क्लास पूरा नॉर्मली था तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लास, जो कि मैंने जितना हो चुका हो सका मेरे से मैंने कवर कर लिया. अभी तुम लोग के ऊपर में है, तुम लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना उसी के अनुसार आप लोग को उतना मार्क मिलेगा. ओके दीप ज्योति, मैं पहली बार तुम लोग तुम्हारा फेस देख रहा हूँ बेटा आज लाइव क्लास में, आज कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है क्या? नहीं तो ओके ओके मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, कल के लिए ऑल द बेस्ट और एक बार. ठीक है, अच्छे से करो. थैंक यू सर. ग्रेट ग्रेट, थैंक यू. नाइस सेशन, इट वाज अ नाइस सेशन. थैंक यू सर.